वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग अग्रोहा धाम जाएंगे। नानी ने बताया कि अग्रोहा धाम बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन है जो कि हर किसी को विजिट करना चाहिए अगर आप लोग हिसार के आसपास हो। अग्रोहा धाम भिवानी से 86 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों को 2 घंटे लग जाएंगे अग्रोहा धाम पहुँचने में। तो चलिए मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो चलो चलते हैं। लक्ष्मी जी का टेम्पल है, सरस्वती जी का टेम्पल है, महाराजा अग्रसेन का टेम्पल है, और वहाँ पे ना बहुत बड़ी सी एक हनुमान जी की मूर्ति भी है, पर बहुत लंबी मूर्ति है, और वहाँ पे ना ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल है, और पता है पल वहाँ पे ना केव भी बनी हुई है, टेम्पल की केव भी बनी हुई। अच्छा, है नानी, सारी चीजें अगर आपकी है, मंदिर वगैरह हमारे लिए वहाँ पर कुछ है भी? अरे पल वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्विंग्स है, वहाँ बोटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है पल, तुम बहुत एंजॉय करोगी वहाँ, बोटिंग वगैरह खूब मजे वाला है, तुम खूब एंजॉय करने वाली हो वहाँ। yes. बहुत मजा आएंगे पल, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, और ऐसी बात नहीं है, मैं टेंपल के साथ बोटिंग तो हम भी करेंगे। आप झूले भी झूलना भाई साहब? झूले में मुझे डर लगता है पर, लेकिन बोटिंग तो मैं जरूर करूंगी तुम्हारे साथ। बोटिंग तो हम सब करेंगे। और वहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, हाँ वहाँ पे भी लोग एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ ठीक है, ठीक है ना, वी विल हैव समथिंग। ठीक है, ओके ओके। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अग्रोहा धाम एंटर कर चुके हैं और हम लोगों ने कार भी पार्क कर ली है, तो चलो अब अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। जैसे जैसे हम मंदिर के पास जा रहे थे, मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर लग रहा था। अग्रोहा धाम में मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। बीच वाला हिस्सा माँ लक्ष्मी जी का है, पूर्वी हिस्सा महाराजा अग्रसेन जी का है, और पश्चिमी हिस्सा माँ सरस्वती जी को समर्पित है। माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी और महाराजा अग्रसेन जी के अलावा मंदिर में विष्णु जी और उनके सारे अवतारों की भी मूर्तियां हैं, जिनके दर्शन करने के बाद हम लोग गुफा की तरफ चल दिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं, जो कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर, तो चलो चलते हैं। चलो बोलो सांची दरबार की जय, पिंडी दर्शन वैष्णो देवी माता रानी की जय, माँ भगवती कृपा करे, भेंट स्वीकार करे, धन धान्य से परिपूर्ण करे, आरोग्यता प्रदान करे, खुशियाँ प्रदान करे, अंतर मंगलमय करे।
भैरव बाबा। भैरव बाबा मम्मी यहाँ पे पैसे डाल सकते हैं? मैं डाल दूँ? मैं भी डालूंगा। मैं अपना वो गोल गोल डिनर किया था वहाँ पर वैष्णो देवी। अभी हम यहाँ पे टीका लगा था। फ्रेंड्स, गुफाओं का एग्जिट मंदिर की छत पर है और वहाँ से पूरे मंदिर परिसर का व्यू बहुत ही औसम लगता है। अगर आप लोग हिसार के आसपास हो तो इसे विजिट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपके मन को बहुत ही सुकून मिलता है। इसके बाद हम लोग गए रामेश्वरम धाम, जो कि मंदिर के पिछले हिस्से में बना है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। सो फ्रेंड्स, मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं झूलों में, तो चलो चलते हैं। स्विंग्स में सबसे पहले हम लोग गए अम्ब्रेला साइकिल में, जिसे पेडल मार के चलाना था। अम्ब्रेला साइकिल में मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आए, क्योंकि ऐसी राइड मैंने आज तक नहीं करी थी। और उसके बाद हम लोग गए ड्रैगन राइड में, और एंड में हम लोग गए ब्रेक डांस राइड में, जिसमें मेरी हालत तो ख़राब ही हो गई थी और मेरा मन कर रहा था कि जल्दी से ये राइड फिनिश हो जाए। कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक डांस? बहुत अच्छा दिख रहा था वो तो। नाम भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेरी हड्डियां हुई। स्विंग से जब हम वापस लौट रहे थे, तब हमें अनाउंसमेंट सुनाई दी कि रामलीला और कृष्ण लीला की झांकियां शुरू होने वाली है। तो हमने भी फटाफट से टिकट्स लिए और झांकियां देखी, जो कि बहुत अमेजिंग थी। झांकियां देखने के बाद हम लोग मंदिर परिसर में ही मौजूद हनुमान जी के 90 फीट लंबी प्रतिमा को देखने गए, जो कि बहुत ही बड़ी थी। वो इतनी बड़ी थी कि जॉय और मैं तो उनके चरणों के भी बराबर नहीं लग रहे थे। पर कैसा लगा? नानी खूब मजा आए, स्विंग्स में तो बहुत ज्यादा। लेकिन गर्मी थी पर ना? बहुत। गुफा कितनी अच्छी थी ना? हाँ, अंदर बहुत ठंडा था लेकिन बाहर बहुत गर्म था। लेकिन देखो, हम ना बोट राइडिंग नहीं कर पाए ना, पानी नहीं था ना, इस वजह से। पता नहीं, जब तू नेक्स्ट टाइम आएगी ना, तब अपन लोग चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, पर तब भी बहुत मजा आया। सबसे अच्छा क्या लगा? झूले। और टेंपल में हनुमान जी कितने लंबे थे? अरे हनुमान जी तो बहुत लंबे थे, इतने मैं उनके पैर के पैर आ गई। मजा आया ना? बहुत मजे। और गुफाओं के अंदर तो और ज्यादा। नेक्स्ट टाइम आएगी ना भिवानी, फिर हम लोग आएंगे। और फिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? बोट राइडिंग करेंगे। इस बार पानी नहीं था ना गर्मी की वजह से, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। सर्दियों में करेंगे। और जायो जायो, तुम्हें क्या अच्छा लगा वहाँ पे? गुफा। और हनुमान जी जॉय? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और झांकियां जो बिजली से चल रही थी जॉय, वो कैसी लगी? पल तुम्हें कैसी लगी? वो जो डॉल्स मूव कर रही थी, हाँ। बहुत अच्छी थी। मजा आया ना? बहुत मजा। नेक्स्ट टाइम अपन लोग और एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अग्रवा धाम से वापस घर आ चुके हैं। आज हम सब ने खूब इंजॉय किया और अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।